मंदसौर में भतीजे ने अपनी ही चाची की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। चाची और भतीजे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, इसी दौरान गुस्साया भतीजा घर के अंदर से तलवार ले आया और चाची की गर्दन पर वार कर दिया। तलवार लगते ही चाची नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पूर्व सीएम कमलनाथ के एक्टर, डायरेक्टर और जेब में नारियल रखकर चलने वाले बयान पर शिवराज सिंह ने एक चुनावी सभा में पूरे एक्शन के साथ पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ तुम आचार संहिता का हवाला देते रहना, लेकिन ये एक्टर 23 तारीख को किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा डालेगा। डायरेक्टर दे रहा है तो काम करवाएगा और नारियल फोड़ता रहेगा। डोकरियां डोकरी से कहने से काम नहीं चलेगा। कहते मामा नारियल जेब में लेके घूमता है, अब मामा तो नारियल फोड़ता है विकास के काम के लिए, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी मामा क्या करे। हम तो नारियल फोड़े भैया, क्योंकि हम विकास के काम के लिए जनता की भलाई की योजना बनाई और नारियल फोड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत, और फोड़ेंगे धनाधन फोड़ेंगे। इनके पास कोई जाता था तो कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, रोते ही रहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं थे तो कहा बन गए भैया, कोई मुहा नहीं कहता बन जा। अच्छा मुझे बताओ भैया, ये रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे हम भी कोरोना के काल में मुख्यमंत्री बने, 8 महीना बजा रहे, 4 महीने पहले कोरोना के पहली लहर में और दूसरी कोरोना के लहर में, फिर 4 महीना खजाने में एक पैसा नहीं आया, लेकिन मैंने कोई विकास के काम नहीं रुकने दिए, कोई जन कल्याण के काम नहीं रुकने दिए, लगातार गाड़ी आगे बढ़ाई। मामा रोएगा नहीं, मामा तो नारियल फोड़ेगा। भोपाल में जहरीला लड्डू खाने से टीचर की मौत हो गई। मामला कोलार इलाके की राजहर्ष कॉलोनी का है। परिजन ने चूहा मारने के लिए किचन में जहर मिला हुआ लड्डू रखा था, जिसे टीचर ने धोखे से खा लिया। सागर में जहर खाने के बाद प्रेमिका की मौत के मामले में प्रेमी पर पुलिस ने FIR की है। घटना 13 अक्टूबर को नरावली के बसिया गगवी गांव की है। दोनों ने खेत में जहर खाया था, इसके 48 घंटे बाद लड़की की मौत हो गई थी। प्रेमी अस्पताल में भर्ती है। ग्वालियर चंबल में खाद की दिक्कत कम नहीं हो रही है। गुना जिले में भी रबी की फसल के लिए खाद की मारामारी शुरू हो गई है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। 3-3 दिन केंद्रों पर डेरा डालने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। केंद्रों पर किसान जमीन की किताबों को लाइन में रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गुरुवार को सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि ये झटके सुबह करीब 5 बजे महसूस हुए। शहर की बड़ी आबादी घरों में नींद ले रही थी, इसी दौरान जोरदार धमाके के साथ धरती कांपने लगी। जमीन में हुए कंपन से लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोग अपने अपने घरों से दौड़कर बाहर सड़कों पर आ गए।